सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 75 हार्ड चैलेंज के बारे में। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा, बट 99% जो लोग हैं वो इस चैलेंज के अंदर फेल हो जाते हैं बिकॉज उनका डिसिप्लिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कभी वर्कआउट किया नहीं होता, बस एक दूसरे की तरफ देख के 75 हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद वो अच्छे तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर पाते, वर्कआउट नहीं कर पाते। 45 मिनट के दो सेशन आपको लेने होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर, और 45 मिनट वर्कआउट करना सिर्फ एक टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग अभी बिगनर्स हैं तो आप लोगों को इस चैलेंज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 75 हार्ड चैलेंज के बारे में, इसके क्या रूल्स हैं और किस तरीके से आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 75 हार्ड चैलेंज के रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल है इस चैलेंज का कि आप लोगों को अपनी बॉडी की डेली एक फोटो जरूर लेनी है, ताकि आप लोगों को पता चलता रहेगी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा रूल है, आप लोगों को डेली 4 लीटर पानी जरूर पीना है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप लोगों को अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है, ताकि आपको जो माइंड है वो एकदम फ्रेश रहे और आपकी बॉडी एकदम सही तरीके से फंक्शन कर पाए। तो आप लोगों को डेली 4 लीटर पानी जरूर पीना है। तीसरा सबसे मेन रूल है इस चैलेंज का, आप लोगों को 45 मिनट के दो सेशन लेने हैं, दो बार वर्कआउट करना है सुबह शाम। एक बार आप लोग जिम के अंदर कर सकते हैं या फिर घर के अंदर कर सकते हैं, दूसरे टाइम आप लोगों को बाहर वर्कआउट करना है, आउटडोर। कहने का मतलब कि रोड पे कर लें, कहीं पे भी जाके कर लें, बट आपको खुले में करना है। तो ये सबसे तगड़ा रूल है इस चैलेंज का। एंड बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो यार एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। बॉडी वेट के साथ आप लोग कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जिम जाना है, घर पे पुशअप वगैरह कर लें, देसी वर्कआउट कर लें, सब चलेगा यार, सब चलेगा। चौथा रूल है इस चैलेंज का, आप लोगों को डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़नी है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ सिखाया जाए, आप लोगों को डिसिप्लिन के बारे में बताया जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए अच्छी हों। तो वो बुक आप लोगों को डेली पढ़नी है, 5 से 10 पेज पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों की मेंटली हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखेंगे। पांचवा एंड लास्ट रूल इस चैलेंज का, आप लोगों को अपनी डाइट अच्छी रखनी है। अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, जिसके कारण आप लोग वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आप लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसके अलावा आप लोगों को और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड बाहर का आप लोगों को कुछ नहीं खाना। जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है या फिर सही नहीं है, जिसके अंदर फैट्स वगैरह ज़्यादा हो या ऐसी चीज़ें तली हुई, पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। और सबसे मेन चीज़, नशा वगैरह कोई नहीं करना, चाहे वो शराब है, बियर है, तंबाकू है, सिगरेट है, कुछ भी ऐसी चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। तो ये सबसे तगड़े रूल है इस चैलेंज के, जो कि आप लोगों को 75 डेज ज़रूर फॉलो करने हैं। अगर आप लोगों ने एक भी दिन इन पांचों में से कोई भी टास्क को पूरा नहीं कर सके, तो आप लोगों को फिर से डे वन से शुरू करना पड़ेगा। ये सबसे तगड़े रूल है। अगर आप लोग अपने आप से चीट करेंगे तो आप लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ये मत सोचना कि यार अगर आपको कोई देख नहीं रहा तो आप लोग बस इस चैलेंज को फॉलो कर लेंगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग अपने खुद के साथ चीट कर रहे हैं। तो वो चैलेंज आप लोगों का समझ लो उसी दिन ख़त्म हो गया। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहाने लगाते हैं कि यार हमारे पास तो वर्कआउट करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, हम लोग जिम नहीं जा सकते, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो यार बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। आप लोगों को जहाँ तो एक रेसिस्टर बैंड लेना है, या फिर आप लोग ईंट के साथ भी वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लें, घर पर कर सकते हैं। और ख़ास करके जो लोग बिगनर्स हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें, आप लोगों के लिए ये चैलेंज नहीं है। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि आप लोग इस काबिल अभी तक नहीं हुए हैं, ताकि आप लोग दो टाइम वर्कआउट कर सकें, अपने डाइट को मैनेज कर सकें, अपने डिसिप्लिन को मैनेज कर सकें, आप लोगों के अंदर अभी वो क्वालिटी नहीं है। पहले आप लोग 3 से 4 मंथ रेगुलर वर्कआउट करें, अपनी डाइट अच्छी फॉलो करें, थोड़ा डिसिप्लिन के अंदर रहें, तभी आप लोग इस चैलेंज को कम्प्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग सडनली पहले दिन से ही घुस जाएंगे कि यार हम लोग शुरू करने वाले हैं, दो टाइम वर्कआउट कर लेंगे, तो 5-10 दिन के बाद ना आप लोगों की बैंड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें
और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें। बाकी मैंने बता दिया क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से आप लोग इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे सीधा DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और हाँ गाइज, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं। वैसे तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम वगैरह मुझे मैनेज करना पड़ेगा, बाकी मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, तो तुम्हारा भाई जुट जाएगा अपनी मेहनत के दम पे, कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।